नमस्कार, मैं नेहा तिवारी। आज हम पहुंचे हैं बाराबंकी जिले के मकनपुर गांव और यूपी के सितारे में हमारे आज के सितारे हैं बलबीर सिंह, जिनकी कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर जीत का जज्बा है तो कामयाबी खुद आपके कदम चूमेगी। आइए इनकी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं। स्थिति उस समय इकोनॉमिक इतनी थी कि किसी तरीके से बस मैंने कुछ लोगों से पैसे ले रखे थे कि मैं मेंस जैसे ही ख़त्म होगा मैं जाके नौकरी ज्वाइन करके आपको पैसे रिटर्न कर दूंगा। तो जिस दिन मेरा मेंस एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मैंने उसी दिन एक जो है एक मतलब कोई और जॉब तो मिल नहीं रही थी, तो मैंने एक ATM में जा करके गार्ड की जॉब ज्वाइन कर ली। प्रीलिम्स बुक्स वगैरह मेरे पास ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मतलब जो भी पैसे तो फीस वगैरह दे दिए और रेंट वगैरह कुछ खाने पीने में, बस मेरा मतलब पूरा खर्चा 2 से 2500 रुपए के आसपास ही था। तो मैंने बुक्स अपने जैसे जो टेस्ट सीरीज वगैरह मुझे एक धे में मिली थी वो फ्री में ही मिली थी, सब सर ने कह दिया था, तो टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की। तो टेस्ट जैसे एक हफ्ते बाद हमारा टेस्ट लगता था, तो मैं अपने फ्रेंड से बुक्स ले करके उस सब्जेक्ट को पढ़ लेता था और जा करके टेस्ट देता था। मतलब मैंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया उस समय तक हमारे पास जो महत्वपूर्ण किताबें होती हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी की, ये लक्ष्मीकांत वगैरह कुछ नहीं थी। तो मैंने मेंस जब प्री में क्वालिफाई हुआ तब मैंने करी। परचून की दुकान खोली, पैसे थे नहीं, तो उसके बाद जब थोड़ा बहुत पैसा हुआ तो चश्मे की दुकान खोली, फिर उसी से थोड़ा थोड़ा पैसा हुआ, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पैसे की समस्या थी उसमें तो अवश्य ही बहुत ही कष्ट में था कि जो पैसा हम लोग भी परेशान थे, कहाँ से इनको देंगे, कैसे करेंगे, सबके इधर उधर कर्जा ले करके बैंक से भी कर्जा लिया और दे करके इनको हम वहाँ दिल्ली में शिफ्ट कराया। अब दिल्ली में रहे ये तो छोटा भाई भी साथ रहने लगा इनके साथ में, थोड़ा सा वो क्वेश्चन वो ट्यूशन पढ़ाने लगा अपना, दे दे 4 पैसे उधर कमाए, कुछ पैसे हम घर से भेजते थे, इस तरह से काम बच्चे ने पढ़ाई की। कोचिंग में मैंने भी स्टार्टिंग फीस दी 15,000 रुपये फर्स्ट किस्त थी, उसके बाद कोचिंग में धे आई है, उस कोचिंग ज्वाइन की थी। फिर फिर जब इंस्टॉलमेंट वगैरह आई तो फिर सर से बहुत रिक्वेस्ट की और सर ने मेरी बात सुनी, क्योंकि मैंने जब जैसे ही मैंने कोचिंग ज्वाइन की मैंने हर टेस्ट में टॉप करना शुरू किया। इवन जो हमसे पहले जो टॉपर्स थे उनके भी नंबर मुझसे रैंक मुझसे कम आने लगी। तो सर ने भी देखा, विनय सर थे, खान सर से बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है हम तुम्हारी फ़ीस नहीं लेंगे तुमसे और तुम मेंस तक पढ़ाई कर सकते हो। बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट्स आए मैंने, लेकिन मैंने उसको पॉजिटिव रूप में लिया और मैं पूरा दिन रात उसी कमरे में बंद होकर के मैंने कहा मेरे पास 1 महीने है, मैं इसको पूरी मेहनत से करूँगा और शायद मेरे जीवन में दोबारा ना आए 1.5 महीना, क्योंकि मेरे पास अटेम्प्ट एक ही था। तो मैंने पूरी मेहनत से वो 1.5 महीने पढ़े दिन रात उसी में कमरे में बंद होकर के, खाना वाना जो है अपना सुबह बना लिए, 1 टाइम बनाते थे अपना, दोनों टाइम का हो जाता था, और उसी कमरे में बहुत गर्मी होती थी, गर्मी का जुलाई अगस्त सितंबर का महीना बहुत पसीने वाली गर्मी होती, लेकिन हम लोग कैसे भी करके उस कमरे बंद करके उसी में, कि बहुत सारे लड़के लॉज टाइप का था तो जो है रहते थे, लेकिन हमने कहा कि चलो ये आखिर समझ लीजिए जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, इसको करना है। तो मैंने मेंस दिया और मेंस देने के बाद स्थिति उस समय इकोनॉमिक इतनी थी कि किसी तरीके से बस मैंने कुछ लोगों से पैसे ले रखे थे कि मैं मेंस जैसे ही ख़त्म होगा मैं जाके नौकरी ज्वाइन करके आपको पैसे रिटर्न कर दूंगा। तो जिस दिन मेरा मेंस एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मैंने उसी दिन एक जो है एक मतलब कोई और जॉब तो मिल नहीं रही थी, तो मैंने एक ATM में जा करके गार्ड की जॉब ज्वाइन कर ली। मेंस फिनिश हुआ, मतलब मेंस ओवर हुआ, फिर मैंने कहा कि चलो जो है अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं अदर पीसेस वगैरह के एग्ज़ाम दूंगा, UP PCS, राजस्थान PCS वगैरह। 3-4 महीने वहाँ पे किया, उसके बाद फिर रिज़ल्ट आया कि मेंस मेरा क्वालिफाई हो गया, अब इंटरव्यू के लिए जाना है। इंटरव्यू के लिए गया, इंटरव्यू मुझे अच्छे मार्क्स मिले, इंटरव्यू में मुझे 180 मार्क्स मिले थे उस समय, जो मतलब गुड प्लस मार्क्स माने जाते थे। लेकिन मेंस से मेरा एक पेपर गलती होने की वजह से मुझे जब फाइनल रिजल्ट आया मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एक मेंस का GS पेपर 1 जो मैं पहली बार लिख रहा था, मैंने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की थी क्योंकि समय बहुत कम था, 1.5 महीने पूरे पढ़ने में ही समय निकल गया, तो लिखने की प्रैक्टिस नहीं की। तो लिखने के समय क्या हुआ कि मैं पेपर दे रहा था तो फर्स्ट पेज के मैंने आंसर्स क्वेश्चन पढ़े, आंसर लिखे, बस सेकेंड पेज में मैंने क्वेश्चन नंबर 2A डाला, उसी दौरान हड़बड़ी में मतलब कि कितने क्वेश्चन बचे हुए कि मुझे समय ज़्यादा लग रहा था लिखने में, तो मैंने क्वेश्चन पेपर मेरा पलट गया
और मैंने डाला क्वेश्चन आंसर नंबर 2 है और क्वेश्चन पढ़ लिया 3A का, और फिर इसी तरीके से आंसर नंबर डालते रहा 2B 2C 2D इस तरीके से, और क्वेश्चन करता रहा 3 के। ये मुझे जो 2 क्वेश्चन नंबर 2 थे ये 200 मार्क्स में लिखना था, और वो 3 वाले लिखने थे 100 वर्ड्स में। तो मैंने 100 वर्ड्स के क्वेश्चन जो थे वो सब 200 वर्ड्स में लिख डाले, और जो सेकेंड वाली पूरी सीरीज थी वो मेरी छूट गई, तो मेरे आधा पेपर एक तरीके से छूट गया। तो उसमें मुझे बहुत कम मार्क्स मिले, इस वजह से मैं फाइनल सेलेक्ट नहीं हो पाया। फिर लोअर पीसेस में 2015 में मैं अच्छा टैक्स ऑफिसर फर्स्ट रैंक के साथ सिलेक्ट हुआ, और जिला पंचायत बहराइच में मैंने 1 साल जॉब की। फिर 2016 वाले पीसेस से मेरा नायब तहसीलदार हुआ, और मैंने फिर यहाँ अमेठी डिस्ट्रिक्ट में आकर के मुसाफिरखाना गौरीगंज तहसील ज्वाइन की, और 2 साल तक मैं यहीं पर हूँ। आपके यहाँ तक का सफ़र बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा, इस दौरान परिवार ने आपको किस तरीके से साथ दिया? आप भी दूर रहे परिवार से, परिवार की बहुत याद भी आती होगी इस बीच। निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति की सफलता में उसके माता पिता और परिवारजनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। पिताजी ये जानते थे कि चूँकि ये लगातार लखनऊ गए, फिर दिल्ली गए, फिर मुंबई गए, तो लगा था कि ये पिताजी को लग रहा था कि कुछ ना कुछ कर लेगा, अपने मेहनत से सब कुछ कर रहा है। तो एक मेंटली बहुत सपोर्ट रहा उनका इस दौरान। कई बार मेरी माता जी की तबीयत भी बहुत अक्सर ख़राब रहती थी, तो कहते थे ठीक है तुम देखो हम यहाँ मैनेज करेंगे किस तरीके से। और मुझे भी लगता था कि शायद अगर मैं कुछ अच्छा कर लूँ जीवन में तो अभी जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर मैं कुछ मैं जीवन में कर लूँगा तो हो सकता है तेज़ी से अगर उतना समय उधर दूँगा पढ़ाई में दूँगा तो मैं अगर कुछ सेलेक्ट हो गया तो मैं ज़्यादा मदद कर पाऊँगा अपनी फैमिली को। तो यही सब मोटिवेशंस थे मेरे कि चलो ठीक है मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ, माँ की तबीयत गड़बड़ है या फिर पिता को फाइनेंशियल दिक्कत है, लेकिन अगर मैं सेलेक्ट हो गया इसी 1 साल के ड्यूरेशन में तो मैं शायद बहुत ज़्यादा मदद उनकी कर पाऊँगा। और सेलेक्ट हुआ सब लोग खुश भी हैं, चलो अच्छा हुआ। मतलब खुशी तो है ही बेटा, खुश तो बहुत है, मालिक करे और बच्चे और आग प्रगत करें आगे, साथ में हमारा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है कि बच्चे खूब बड़ा होता, बहुत खुश हैं हम लोग। हमारे आज के सितारे थे बलवीर सिंह, जिनका ये सफ़र हमें ये सिखाता है कि कामयाबी के रास्ते आसान नहीं होते हैं, बस जज्बा जीत का होना चाहिए। कुछ और नई कहानियों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप चाहते हैं कि आपके सवाल हम अपने सितारों से पूछें, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपने सवाल बता सकते हैं। बने रहें हमारे साथ, नमस्कार।